अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों की बनाई गई INDIA गठबंधन अधर में लटकी पड़ी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 3 मीटिंग होने के बावजूद अभी तक ना ही INDIA की तरफ से TM पद की दावेदारी पेश की गई है, ना ही INDIA का कोई लोगो आया है, ना ही INDIA का कोई दफ्तर चुना गया है, और तो और ना ही अभी तक कोई साझा रैली का आयोजन हुआ है। कहां पटना से शुरू विपक्षी गठबंधन ये कह रहा था कि ये गठबंधन एक एजेंडे को लेकर खड़ा हुआ है, वो है BJP का खात्मा। लेकिन अभी तक जो भी नतीजे आए हैं वो तो देखने से यही लगता है कि इस गठबंधन को लेकर पार्टियां अभी भी सोच विचार में हैं। गठबंधन की पार्टियों में नजर आ रही है खटास। कहां इस गठबंधन में शामिल नेता एक साथ चलते हुए BJP के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो इन पार्टियों के ताजा हालात हैं, वो खुद एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा में तानातानी देखने को मिल रही थी, यहां तक कि अखिलेश ने तो कांग्रेस के नेताओं को चिटकुट तक कह दिया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आप भी इसे अछूते नहीं हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए थे। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान ही सभी पार्टियों से आग्रह भी किया था कि सितंबर से पहले सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब तो सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर से नवंबर आने को है, ना तो कोई सीटों का बंटवारा हुआ है, ना ही दफ्तर बना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विपक्षी दलों ने सिर्फ फिलहाल गठबंधन ही बनाया है। कांग्रेस के रवैये से पार्टियां नाराज। जब से विपक्ष गठबंधन बना है तब से ये कहा जा रहा है कि इन सब में से कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ही वो वजह बन रही है जिसकी वजह से गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। बता दें कि वाम दल से लेकर सभी क्षेत्रीय पार्टी मुंबई में हुए 3rd मीटिंग के बाद कयास लगा रही थी कि सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो फिलहाल विधानसभा के चुनाव से पहले समीकरण दिखाई पड़ रहा है वो कुछ और है, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा को लेकर कहीं भी गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो खबर ये भी आई थी कि सभी पार्टियां एक साथ मिलकर भोपाल में रैली का आयोजन करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से इस रैली को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि MP के पूर्व CM और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसके लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि कमलनाथ का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो अलग अलग पार्टियों को एक साथ उतरने से चुनाव का मैदान स्थानीय से राष्ट्रीय हो जाता। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ही विपक्षी गठबंधन में खटास की वजह बन रही है।